पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत गाड़ियों के काफिले के साथ बदनावर पहुंचे, जहां जगह जगह पर भंवर सिंह शेखावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस सब्जी मंडी के रूप में परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस उज्ज्वल है, उज्ज्वल का काम कांग्रेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ व्यापार में लग गई है। दरअसल धार जिले में भाजपा से कांग्रेस में आए भंवर सिंह शेखावत का बदनावर विधानसभा में आगमन हुआ। भंवर सिंह शेखावत का कांग्रेस में आने के बाद उनका ये पहला विधानसभा दौरा था, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। भंवर सिंह शेखावत इंदौर से निकले तो लेबर से लगाकर बदनावर तक जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें चल रही थी। बदनावर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि आने वाला चुनाव ये महाभारत का धर्म युद्ध है, इसमें एक तरफ कौरव होंगे और एक तरफ पांडव होंगे। महाभारत का धर्म युद्ध है, इसमें एक तरफ कौरव होंगे, एक तरफ पांडव होंगे। पांडव संख्या में कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन धर्म उनके साथ होगा। और इस लड़ाई में, इस लड़ाई के अंदर बदनावर की जनता धर्म के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। सभा को संबोधित करते हुए भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। आप सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन आने वाला चुनाव ये महाभारत का धर्म युद्ध है, इसमें एक तरफ कौरव होंगे, एक तरफ पांडव होंगे। पांडव संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ होगा। और इस लड़ाई में बदनावर की जनता धर्म के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको छोड़ा, आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव ये महाभारत का धर्म युद्ध है। महाभारत का धर्म युद्ध है, इसमें एक तरफ कौरव होंगे, एक तरफ पांडव होंगे। पांडव संख्या में कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन धर्म उनके साथ होगा। और इस लड़ाई में, इस लड़ाई के अंदर बदनावर की जनता धर्म के रूप में आपके साथ खड़ी रहेगी। शेखावत ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल, लेकिन जब मैं बदनावर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बदनावर में आज़ादी आना अभी बाकी है। बदनावर के लोग इस सशक्त हवाओं में सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कोई है जो आपके ज़िले के अंदर रौड़ा बन रहा है, लेकिन अब इसमें मेरा कसूर नहीं है। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सिर्फ बदनावर का विकास, और विकास के अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। मैं तो माँ नर्मदा देवी लाया था, 5 साल आपकी खूब सेवा की, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, ना कांग्रेस का सरपंच देखा, ना देश की आजादी के 75 साल। लेकिन जब मैं बदनावर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी भी बदनावर में आजादी आना बाकी है। बदनावर के लोग अभी भी स्वच्छंद हवा में सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कोई है जो आपके जीने के अंदर रोड़ा बन रहा है अब? लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो चाहता था कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सिर्फ बदनावर का विकास, और विकास के सिवा और कोई बात देखी जाए। मैं तो मां नर्मदा भी ले आया था, 5 साल आपकी मैंने खुद सेवा की, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, न कांग्रेस का सरपंच देखा, न बीजेपी का सरपंच देखा। अब आने वाला समय कांग्रेस का है। मैंने आपसे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व फिलहाल है वो इसे सब्जी मंडी के रूप में परिवर्तित कर चुका है, और इसलिए आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस उज्ज्वल है, उज्ज्वल भविष्य है, और विकास का काम आप कोई कर सकता तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध व्यापार में लगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।